लगेंगी, रिक्शों की इलेक्ट्रिक फैक्ट्रियां लगेंगी। और उस सिलसिले में जो आज यहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पाकिस्तान में आने की बड़ी कोशिशें की हैं, रिसर्च की है। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कराची जाकर जब मैंने वहाँ पर देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, खसूसन जो एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल की किट्स बनाई हुई हैं टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक, इसी तरह रिक्शों की किट्स बनाई हुई हैं, गाड़ियों की भी इन्होंने किट्स बनाई हुई हैं, जो कि जो मोटरसाइकिल है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार में वो कन्वर्जन किट है। इसी तरह रिक्शे की थोड़ी सी इससे महंगी और गाड़ी की उससे महंगी है, लेकिन उस पर सारे पे इन्होंने काम किया हुआ था पूरा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो मुझे कराची जब मैं गया था मुझे देखने का मौका मिला। अब इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रिक की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें जो एक और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ़रोग पाएगी वो बैटरी की इंडस्ट्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन नहीं होता, वो उसमें सिर्फ बैटरी होती है। तो बैटरी की टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा चाइना में है, 90% हमारी जो टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। उनके साथ भी हमारी बात चल रही है कि यहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स भी लाए जाएँ, और इसी तरह आप जैसे बिजनेसमैन उसके अंदर सामने आएँ और आकर इस पॉलिसी के जरिए फ़ायदा भी उठाएँ और पाकिस्तान को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएं जो कि हमारे माहौल के लिए भी बेहतर है, हमारी आवाम के लिए भी बेहतर है और हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। तो इन लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? आप जी, जो इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है सर, कि सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन ये था कि गाड़ियाँ महंगी हैं, लेकिन हमने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें देखिए है कि इस ईवी पॉलिसी से इम्प्लेंट होने से गाड़ी न सिर्फ महंगी है बल्कि फ्यूज बेस्ड गाड़ियों से सस्ती हो जाएंगी, और फिर 4 साल 5 साल 6 साल के लिए जो तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो इंशाल्लाह देखें ना, हमने पॉलिसी जो बनाई है उसका मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए, अगर आप सस्ती गाड़ी लाएंगे तो तभी आपकी गाड़ी बिकेगी, आप गाड़ियाँ लाएं, मोटरसाइकिल लाएं, रिक्शे लाएं, बसें लाएं, और वो अगर अच्छी होगी कॉस्ट वाइज तो लोग उसको खरीदेंगे, चलाने में तो डेफिनेटली वो सस्ती है, वन थर्ड है रनिंग कॉस्ट उनकी, वन थर्ड है आपके। अगर कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं, सेफ्टी का भी एलिमेंट बहुत बड़ा है, सवाल भी पूछ सकते हैं हम उसके लिए, वो अंदर वाले कार्रवाई थी वो यहाँ करते हैं। बिल्कुल, देखें ये हम तो ये चाहेंगे जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं आपके, बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं टोयोटा, होंडा, आपका सुजुकी, वो भी इस इलेक्ट्रिक की तरफ आएं, और उनके पास चूंकि ढांचा तो बना हुआ है, उन्होंने सिर्फ इंजन निकालना और बैटरी लगानी है। तो इसके लिए इस सिलसिले में मेरी कल जापानीज एम्बेसडर से भी बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि अब जो जापान है वो मुल्क की तौर पर भी पाकिस्तान की हेल्प करने की तैयार है। मुशीर वज़ीर आज़म अली अमीन असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के हवाले से। मीडिया को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे नई इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा, रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चीन से बातचीत चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बचत और गाड़ियां भी सस्ती होंगी। ये थी पीटीवी ताज़ातरीन, मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।